हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग इन किचन। आज मैं आपको मुंबई का मशहूर वड़ा पाव चटनी पाउडर बना के दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए पहले हम लेंगे एक कप सूखा नारियल यानी कोपरा। इसे हमने ग्रेट कर लिया है और इसे हम थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक एकदम धीमी आंच में। अगर आपके पास कोपरा या सूखा नारियल नहीं है तो आप कच्चा नारियल भी ग्रेट करके बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा देर तक उसे भुनना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। फिर हम ड्राई रोस्ट करेंगे गार्लिक। यहाँ मैंने 20 से 25 कलियाँ ली हैं। इसका छिलका निकालना ही नहीं है, इसी तरह हमें इसे रोस्ट कर लेना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। इसे भी हम ठंडा होने के लिए अलग से निकाल के रख लेंगे। फिर हमें रोस्ट करना है लाल मिर्च। यहाँ मैं 30 से 35 लाल मिर्च ले रहा हूँ। आप अपने स्पाइसी लेवल के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे भी हम ठंडा करने के लिए रख लेंगे। और आखिर में हमें चाहिए पीनट्स, क्योंकि पहले ही मैंने रोस्ट कर लिया है तो इसे ज़्यादा देर में रोस्ट नहीं करूँगा। अगर आप कच्चा पीनट यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसे अच्छी तरह रोस्ट करना है और उसका छिलका आपको निकाल लेना है। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके पीस लेना है। तो पहले हमने पीस लिया है नारियल, इसे हमें दरदरा पीसना है। फिर हम पीनट्स पीस लेंगे, इसे भी हमें ज़्यादा महीन नहीं करना है। फिर हम पीसेंगे सूखे हुए लाल मिर्च, उसके साथ हम डालेंगे रोस्ट किया हुआ लहसुन और नमक स्वादानुसार। सबको हम अच्छी तरह पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना दरदरा है, इसे मैंने फाइन ग्राइंड नहीं किया है। सबको हम पीसने के बाद फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर अच्छा लाल रंग देने के लिए हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर डालने के बाद हम फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा वड़ा पाव चटनी पाउडर बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। इसे आप वड़ा पाव के अलावा डोसा, इडली या फिर आप पराठा के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू।